जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी जियो साइंटिस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको OTR से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी दी जाएगी। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई मिस्टेक न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन कर लेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 56 पोस्ट निकाले, एज आपकी 21 से 32 है। एंड यहां पर आप लोग इस फॉर्म को 10 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन से ग्रुप के लिए, बेसिकली कह लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी और उस पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं। एंड अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू OTR इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये वेबसाइट है वो आ जाएगी। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, आपने कोई भी फॉर्म भरा था इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आप यहां पर डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी और फिर OTP ला करके उसके ऊपर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर, आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है, आपको आपका नाम पहले एंटर करना है। ये नाम आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई नेम में वेरीफाई कर देना है। फिर जो आपका फुल नेम है, फुल नेम आपको यहां पर एंटर करना है। देन यहां पर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपके जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आप यहां से इस प्रकार से ईयर, फिर यहां पर मंथ और उसके बाद में डे, तो इस तरह से आपकी DOB आ जाएगी। देन आपको आपकी DOB को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। इसके बाद यहां पर गाइस आपके सामने आता है फादर नेम, तो आपको आपका फादर नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है और फादर नेम को दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे एंड मदर्स के नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको बताना कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस है, यानी कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हां तो आप यस करें, और यस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहां पर आपका नंबर एंटर करना है। इस नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, एंड अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th, यानी कि आपको 10th का रोल नंबर यहां पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी एक यहां पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहां पर दे दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहां पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करना है और इसका आंसर भी दे देना है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी OTP सेंड किया है। आपको यहां पर पहले मोबाइल वाला OTP डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहां पर ईमेल वाला OTP, बेसिकली आपको दोनों OTP एक साथ में डालने और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहां पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहां पर जो आपका OTR आईडी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहां पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहां पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहां पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहां पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। इस तरह का आप एग्जांपल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए। और आपको यहां पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहां पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज आपके सामने यहां पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको यहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपनी जो OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जानकारी है उसको अपडेट करना चाहते
या एडिट करना चाहते तो आप यहाँ पर पहले इसके ऊपर क्लिक करके उसको कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको कोई जानकारी चेंज नहीं करनी तो आप यहाँ पर क्लिक एयर फोर पार्ट वन इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करते हुए यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद में ऊपर की तरफ आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन होगी और अभी जो आपको जानकारी भरनी है वो आपको एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल से भरनी है। तो नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर आती कम्युनिटी, तो आपकी कास्ट कम्युनिटी कौन सी है, EWS जनरल OBC SC। अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। OBC सेलेक्ट करते हैं तो आपके आपसे सवाल आएगा कि क्या आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, और ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो आप नो करेंगे, और अगर आप नहीं करते तो आप यहाँ पर यस करेंगे, जैसे कि डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर SC ST कैटेगरी से है तो आपके सामने तब भी ये अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जो कि है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी डेजिग्नेशन, यानी कि जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, अथॉरिटी से मतलब है कि किस पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, CO इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो इनमें से किस पोस्ट के अधिकारी ने आपका ये सर्टिफिकेट जारी किया है उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपके अधिकारी की पोस्ट का नाम लिखा होगा, वही पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद ये कब सर्टिफिकेट आपने बनवाया है वो सर्टिफिकेट भी आप, वो डेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके सामने यहाँ पर चार विकल्प है। पहला है कि मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी, या फिर मरीन जियोलॉजी, या फिर हाइड्रोलॉजी। तो इनमें से अगर आपने की है तो आप पहले वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी MSc इन फिजिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स या फिर जियोफिजिक्स या फिर इंटीग्रेटेड MSc तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी MSc केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री में तो तीसरे वाला, और अगर आपकी मास्टर डिग्री जियोलॉजिकल साइंस और जियो एक्सप्लोरेशन और मिनरल एक्सप्लोरेशन और इंजीनियरिंग के अंदर है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है वही आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइस यहां पर आता है एड्रेस, तो जो आपका एड्रेस है वो आप यहां पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर लिख देंगे, आपके कोई भी जो आपकी ओरिजिनल ID है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद में यहां पर आपको जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट करनी होगी, फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहां पर डाल देना है। देन गाइस अगर आपका कोई फोन नंबर है जो कि आपका एक टेलीफोन नंबर होता है वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन आप यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। अब गाइस यहां पर पूछा है कि क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो तभी आप यहां पर इसमें यस कीजिएगा। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहां पर नो कीजिएगा। जैसे कि अगर मैंने यहां पर यस किया तो यस करने के बाद में आता है इफ यस सेलेक्ट द कैटेगरी कोड थ्रू क्लिक बटन, तो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक पर क्लिक कीजिए और आप किसको किसके तहत छूट चाहिए वो आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि SC या फिर जो बाकी ऑप्शन है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो अगर आपको यहां पर छूट चाहिए वही आपको यहां पर टिक कर लेना, जैसे कि मैं SC सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर इस तरह से आ जाएगी। अगर आपको छूट नहीं चाहिए तो आप यहां पर नो कर दीजिए। इसके बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहां पर आता है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो आपको कोई एक ID सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी ID आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर आपको देना है, दोबारा यहां पर वो नंबर डाल करके आपको वेरीफाई करना है। साथ ही जो ID आपने सेलेक्ट किया वो आपको अपलोड करनी है, उसका PDF फॉर्मेट आपको यहां पर अपलोड करना होगा, इमेज फॉर्मेट में वो अपलोड नहीं होगी। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी और उसको यहां से ओपन करना होगा। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सवाल है कि प्रतिस्पर्धा के लिए योग्य पद की सेवाएं, तो यहाँ पर आपका जिस पोस्ट पर आप एलिजिबल है वो पोस्ट यहाँ पर दी गई है, मैं ये पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए। इसके बाद में यहाँ पर है सेंटर फॉर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेन Stage 2 एग्जाम, यानी कि जो Stage 2 का एग्जाम है वो आप कहाँ पर रखना चाहते हैं इनमें इन सिटी में से, तो वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर नीचे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट कर लीजिए, नहीं तो ये जो यहाँ पर रैंडम कैप्चा कोड है वो आप यहाँ पर डालिए और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज आएगा, वो अपनी एप्लीकेशन फीस को पहले जमा करेंगे। जैसे ही वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो तभी उनके सामने ये इंटरफेस आएगा जो कि उनको यहाँ से
स्क्रीनशॉट या फिर प्रिंट कर लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका बहुत ही अनिवार्य है अगले जो आपका प्रोसेस है उसके लिए। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपका पार्ट वन हो चुका है, अभी आप अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जान लीजिए कि जो आपके फोटो का डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए। तो फोटो का फॉर्मेट तो जेपीजी में होना चाहिए, फोटो इस तरह का एक्सेप्ट होगा, सिग्नेचर आपका जो एक्सेप्ट है वो आप देख सकते हैं, और जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो भी आप देख सकते हैं। तो फोटो का जो डायमेंशन है वो आपका 350x350 होना चाहिए, यानी कि वाइड भी 350 पिक्सल और हाइट भी 350 पिक्सल, सिग्नेचर का वाइड 1000 पिक्सल और जो हाइट है वो भी 1000 पिक्सल ही रहना चाहिए, साइज 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर भी आपका फोटो है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना जो फोटो है वो सिलेक्ट करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपकी फ़ोटो की फाइल आ जाएगी, फिर जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। देन आप अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, इसके बाद में आप यहाँ पर सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर किस जगह पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, एंड देन फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन देखेंगे और आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आप देख लीजिए कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर आइए और यहां पर आने के बाद में एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं कि आपने रिसेंटली किस पोस्ट पर अप्लाई किया है और एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करने के बाद में जो मैंने अभी अप्लाई किया वो आप देख सकते हैं। आप व्यू प्रिंट एप्लीकेशन पर आकर के क्लिक हियर पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग यूपीएससी जियो साइंटिस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।